तो देखो भाई, कल भले ही इंडिया जिम्बाब्वे के साथ ये सीरीज जीत गई है, लेकिन इस सीरीज के एंड होने के बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी सामने आई है, लेकिन सेम टाइम पे एक बहुत बड़ा दुख भी सामने आया है, जिसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सामने आया है और एक बहुत बड़ा नेगेटिव सामने आया है। और अगर सबसे पहले बात करें पॉजिटिव की, तो भैया पॉजिटिव तो एक ही बंदा सामने आया है, यानी कि भैया जो बने हैं कल प्लेयर ऑफ द मैच, जो बने हैं कल प्लेयर ऑफ द सीरीज, मतलब ये सीरीज पूरे तरीके से उनके ही नाम रही, द शुभमन गिल शो रही पूरे तरीके से सीरीज। तो जैसा मैंने कहा, वो बंदा कौन है? वो है शुभमन गिल। और सिर्फ इस सीरीज की बात नहीं है, पिछली सीरीज से शुभमन गिल ने जिस तरीके से भैया मौकों को लपका है, मतलब जब भी आपको मौके मिले ना, तो शुभमन गिल की तरह से लपको। जब भी आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिले, शुभमन गिल ने बता दिया कि भैया देखिए यहां पे इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है कि ये जो चंद मौके आपको मिलते हैं, इसी में आपको प्रूफ करना होता है कि भाई आपकी हस्ती क्या है। और शुभमन गिल ने पिछली कुछ 4-5 पारियों में सीधे ऐलान कर दिया है कि भैया हम सबसे बड़े कंटेंडर होने वाले हैं जब बात आएगी 2023 वर्ल्ड कप की। और देखो भाई, शुभमन गिल कोई बहुत नया बंदा नहीं आया है, काफी टाइम से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, इवन आईपीएल भी बहुत टाइम से खेल रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बंदे की जो है इनकंसिस्टेंसी चलती रहती है, जिस वजह से लोगों को भले ही उनका नाम याद रहता था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा वो इनकंसिस्टेंट होते थे तो लोग भूल जाते थे। धीरे धीरे उनको टेस्ट में मौका देना स्टार्ट किया गया, लेकिन टेस्ट में भी उनका हाल कुछ ऐसा ही रहा कि कभी भैया 50-50 अर्धशतक वगैरह पड़ गए, लेकिन उसके बाद अचानक से 2-3 रन पे निकल गए, जिस वजह से शुभमन गिल का जो नाम है लोग अपने मन में बसा नहीं पा रहे थे और लोगों को उन पे ये भरोसा नहीं आ रहा था कि आने वाले टाइम में ये कॉम्पैक्ट प्लेयर बन सकता है। लेकिन उसके बाद जब शुभमन गिल को अपॉर्चुनिटी मिली वनडे में, तो भैया शुभमन गिल ने कहा कि हम ऐसे प्लेयर हैं कि हम बने ही वनडे के लिए हैं। और देखो भाई, ये सच है, शुभमन गिल का जो खेलने का तरीका है ना, अब बहुत बड़ा उनको शायद T20 का प्लेयर ना कह सकें, या फिर थोड़ा सा उनको बहुत बड़ा टेस्ट का प्लेयर भी ना कह सकें, लेकिन वनडे को खेलने का एकदम जो एग्जैक्ट तरीका होता है ना, कि भैया जिस गियर पे जिस मौके पे खेलना है, बिल्कुल उन्होंने वैसे ही खेल के दिखाया है। जब वो ओपनिंग आ रहे थे और ये जरूरत होती थी कि भैया थोड़ा सा टिकना है, तो उन्होंने टिक के दिखाया। जब जरूरत हुई कि भैया थोड़ा सा रन रेट बढ़ाना है, तो उन्होंने रन रेट बढ़ा के दिखाया। और कल के मैच में जब वो फर्स्ट डाउन आए थे और भैया पारी एकदम स्लो चल रही थी, क्योंकि भैया शुरुआत में दोनों ने थोड़ा सा कांड करा हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से भैया एकदम 23 रन बनाए, उन्होंने बता दिया कि उनके पास हर सिचुएशन में खेलने का तरीका है और वो किसी भी गियर पे खेल सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि शुरुआत में कांड हो गया था, तो पूरी सीरीज में कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक चीज जो निराश करने वाली देखने को मिली, वो थी शिखर धवन की जो स्ट्राइक रेट है। अगर आपको याद हो, तो शिखर धवन इस तरीके के प्लेयर थे कि अगर वो रोहित शर्मा के साथ भी खेलते थे ना, तो जब तक दोनों पिच पे हैं, तो शुरुआत के रन हमेशा शिखर धवन के ज्यादा तेजी से आते थे। यानी जब तक शिखर धवन और रोहित शर्मा साथ में खेल रहे हैं, तो जो तेज खेलता था ना बंदा, वो शिखर धवन होते थे। एक बार शिखर धवन आउट हो जाते थे, फिर रोहित शर्मा भले ही अलग लेवल पे खेलने लगते थे, लेकिन जब दोनों साथ में खेल रहे हो, जैसा मैंने कहा, तब हमेशा शिखर धवन ही ज्यादा तेज खेला करते थे। लेकिन पिछले कुछ मैचों में जैसा कि हमने देखा, शिखर धवन का जो खेलने का तरीका है वो पूरा उल्टा ही हो गया। मतलब कल बंदा 60-65 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, मतलब ऐसे रन मार के भी क्या फायदा। और सेम टाइम पे देखो, केएल राहुल ने भी धीमी शुरुआत करी थी। और देखो, मैं एक बात हर बार कहता हूं कि ये बहुत ज्यादा मेरे को मैटर नहीं करता कि बंदे ने उस मैच में रन कितने मारे, बंदे ने विकेट कितने लिए। जब आप मैच लाइव देख रहे होते हैं ना, तो देख के पता चल जाता है कि बंदा टच में है या नहीं, बंदा कॉन्फिडेंट है या नहीं। शायद बंदा गिरते पड़ते 50 रन मार भी दे, लेकिन एक पारी देख के अगर मजा नहीं आता है, तो लगता है कि भैया वही खेला। तो कल जिस तरीके से केएल राहुल खेल रहे थे, उन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि यार ये वो केएल राहुल नहीं है जो हम जानते हैं, ये वो नहीं है जो भैया आईपीएल में एकदम आतंक मचा देते हैं। तो इसीलिए वो भरोसा नहीं आ रहा था जो हमें शुभमन गिल को देख के आ रहा था। देखो, जब तक केएल राहुल और शिखर धवन खेल रहे थे, उनको देख के ऐसा लग रहा था कि शायद भैया खेलने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी, विकेट थोड़ा सा मुश्किल होगा, रन बनाना मुश्किल हो रहा होगा। लेकिन भैया उसके बाद जब ईशान किशन आए, शुभमन गिल आए, उन्होंने इतनी आसानी से रन मारे, तब जाके ये लगा कि भैया थोड़ा सा खेलने का तरीका ही उनका गलत था। और देखो, मैं सीरीज के शुरुआत से ही कह रहा था कि भाई ये जो सीरीज है ना, ये दो लोगों की ही मेनली होने वाली है। पहले होंगे केएल राहुल, जिन पे पूरे तरीके से नजर रहेगी, क्योंकि भैया आने वाले टाइम में एशिया कप में प्रमुख प्लेयर होंगे। उसके बाद वर्ल्ड कप आएगा, वहां भी वो जाएंगे ही, भले ही वो कैसा भी परफॉर्म करते जिम्बाब्वे में, ये कंफर्म था कि वो एशिया कप में खेलेंगे, वो वर्ल्ड कप में खेलेंगे। लेकिन एक मैं बार-बार एक बात कहता हूं ना कि भाई देखो, ये कंफर्म है कि चलो आप खेलोगे, लेकिन एक भरोसा आना चाहिए ना खिलाते वक्त। जब वो भरोसा आ जाता है हमारी जनता को, तो भैया खिलाने का मजा कह ले या आपका खेलने का मजा कह ले, वो 4 गुना 5 गुना 10 गुना ज्यादा हो जाता है। हां, ये सच है कि थोड़ा सा एशिया कप में वो अच्छी खासी पारी खेल दें, थोड़ा सा भैया फोड़ फाड़ दें, तब थोड़ा ज्यादा भरोसा और आ जाएगा। लेकिन जो जिम्बाब्वे सीरीज रही, मतलब इतनी कमजोर टीम के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने खेला, मजा नहीं आया। मतलब बाकी कल के मैच में ये देख के भी अच्छा लगा कि भैया ईशान किशन ने चौथी पोजीशन पे आके अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईशान किशन पे ये ठप्पा लग चुका था कि ये बंदा ओपनर ही है और जब तक हमें ओपनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें ईशान
किशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ईशान किशन ने ये प्रूव किया कि ऐसी बात नहीं है भैया, बीच में आके भी हम रन मार सकते हैं। बाकी एक और चीज जो मैं बात कर रहा था केएल राहुल की, यार मुझे थोड़ा सा, मैं देखो कड़वी बात करूंगा, कुछ लोग एग्री करें कुछ लोग शायद डिसएग्री करें, कि केएल राहुल की कप्तानी देख के मेरे को बिल्कुल फील नहीं आता है। मतलब कप्तानी अच्छी करते हैं बुरी करते हैं वो एक दूसरी बात, एक होता है ना कि भाई ये कप्तान है मेरा, देख के पता चल जाए जब भी कैमरा है बंदे की तरफ कि यही कप्तान होगा। अगर आप कोई भी मैच देख रहे हो समझ लो और आपको नहीं पता, आप किसी प्लेयर को नहीं जानते, लेकिन कप्तान की हरकत आपको बता देती कि भाई ये है टीम का कप्तान, तो वो चीज यार फील नहीं आता केएल राहुल को देख के, पता नहीं क्यों। मतलब बंदा बैट्समैन एक नंबर है, अपने पे आ जाए तो भैया किसी भी टीम की सब एक कर सकता है वो। लेकिन सेम टाइम पे जैसा मैंने कहा कि जब भी वो किसी मैच में कैप्टन होते हैं, चाहे मैं आईपीएल की बात करूं, भले ही इस बार लखनऊ का सीजन भी ठीक ठाक गया था, लेकिन जब वो दिख रहे होते हैं ना मैदान में, तब ऐसा वही मैंने कहा कि महसूस नहीं होता है कि भाई ये है कप्तान, ये पूरे जोरों शोरों से लगा हुआ है अपनी टीम को जिताने के लिए। अब आप लोग ऐसा सोच सकते हैं कि भाई देखो हर कप्तान बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होता है, बहुत एग्रेसिव नहीं होता है जैसे कोहली है, लेकिन स्टिल एक फील आ जाता है ना कि भाई ये कप्तान है। अब धोनी भी कैप्टन थे, भले ही वो बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं थे, बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं थे, उनसे ज्यादा एक्सप्रेसिव तो रोहित शर्मा है, लेकिन स्टिल धोनी पे जब भी कैमरा आता था, चाहे सीएसके में अभी वो कैप्टेंसी करते हैं, तो पता चल जाता है कि भाई ये है टीम का कैप्टन। पर केएल राहुल इतने सुस्त से रहते हैं, मतलब कल का मैच इतनी आसानी से इतना एंड तक चला गया, मतलब मुझे बस एक ही चीज माइंड में आ रही थी कि भाई अगर यहां पे रोहित शर्मा कप्तान होते तो ये मैच यहां तक जाता नहीं। मतलब मुझे ये नहीं पता कि रोहित शर्मा क्या करते, किस तरीके से बॉलरों का यूज करते, लेकिन अंदर ही अंदर एक भरोसा आने लगा कि भैया रोहित शर्मा होते तो कुछ तो तिकड़म भिड़ाते, मैच इतनी आसानी से वहां तक नहीं जाता। तो देखो डायरेक्टली मैं इस चीज पे कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा, चलो जो भी वीडियो देख रहा है एक बार ये बता दे आप लोग को केएल राहुल की कैप्टेंसी कैसी लगती है, 10 में से रेटिंग जरूर दीजिएगा। अगर आप केएल राहुल के फैन हैं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ऑनेस्टली सिर्फ कैप्टेंसी को पर्सपेक्टिव में रखते हुए, देखो केएल राहुल का फैन मैं भी हूं, मैं भी पूरे तरीके चाहता हूं कि भैया केएल राहुल बैटिंग एकदम जबरदस्त रिटर्न करें, लेकिन कैप्टेंसी को लेकर सिर्फ मेरा ही ऐसा सोचना है या आप लोग का भी, आप लोग को भी थोड़ा बहुत ऐसा लगता है, तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है आप केएल राहुल की कैप्टेंसी को ओवरऑल, सब कोई ऐसा फॉर्मेट स्पेसिफिक नहीं पूछ रहा हूं, ओवरऑल जितनी भी केएल राहुल की कैप्टेंसी आपने देखी है, एज अ कैप्टन एज अ लीडर आप 10 में से केएल राहुल को कितने पॉइंट देंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज कही थी ना कि भले ही बंदा रन मारे या विकेट ले, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर बंदे को देख के पता चल जाता है कि भाई ये आने वाले टाइम में एकदम इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है नहीं हो सकता है, विकेट ले सकता है नहीं ले सकता है, इसका इंटेंट इतना तगड़ा है या नहीं है, या इसकी बैटिंग इतनी धांसू है या नहीं। मतलब बंदा चाहे 4 शॉट भी मारे ना, पर देख के लगे कि भैया ये होता है खेलने का तरीका, या बंदा भले ही विकेट भी ना ले लेकिन बॉल उसकी ऐसी जा रही हो कि लगे कि भैया ये है कमाल का बॉलर, और सेम टाइम पे कोई बॉलर विकेट भी ले ले या थोड़े बहुत रन ना भी दे, लेकिन अगर बॉलिंग देख के फील नहीं आता है ना, तो वो लंबे टाइम में बॉलर चल नहीं पाता है। और सेम चीज थोड़ी सी मुझे इस समय लगती भाई आवेश खान के लिए, भले कल के मैच में भी आवेश खान ने विकेट लिए हैं, लेकिन स्टिल भाई उनकी बॉल इतनी सिंपल सी आती है, लगता है कि यार ये तो मैं भी मार दूं। हां मैं जानता हूं कि भैया छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप देखेंगे उनका जो सेकंड लास्ट ओवर था, मतलब इतनी नॉर्मल बॉल करा रहा था बंदा, लग रहा था कि यार ये क्या डाल रहा है, बिल्कुल एकदम फुल लेंथ बॉल आ रही, एकदम टिप होते ही बॉल आ रही, भले ही उन्होंने लास्ट ओवर में भैया यॉर्कर मारी, लेकिन वो तो चलो बैट्समैन ही ऐसे थे, पर जहां पे असल में आपको अपनी काबिलियत दिखानी थी ना, जहां पे शार्दुल ठाकुर बहुत बेहतरीन बॉलिंग करा रहे थे, भले ही वो कल थोड़े से महंगे रहे हैं, लेकिन शार्दुल ठाकुर के भैया आखिरी के 2-3 ओवर आपको बता रहे थे कि भैया ये होता है एक्सपीरियंस बॉलर। शार्दुल ठाकुर ने 6 की 6 बॉल इतने अलग तरीके से डाली, बंदा स्लोवर मार रहा है, बंदा कुछ रिवर्स स्विंग करा रहा है, बंदा वॉबल करा रहा है बॉल को, बंदा क्या कहते हैं नकल बॉल मार रहा है, इतना कुछ कर दिया उसने कि पता चल रहा था कि बंदा कुछ ट्राई कर रहा है, सामने वाला बैट्समैन इस संकोच में था कि अगली बॉल क्या आएगी, लेकिन वहीं पे आवेश खान भैया वही टप्पा कराए जा रहे हैं, टप्पा कराए जा रहे हैं। वो तो कहो जिम्बाब्वे थी, वरना कल के मैच में और कोई भी टीम होती ना, और टीम के बॉलर भी मार दिए होते उतने रन। तो देखो फिलहाल के लिए मुझको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि लगातार आवेश खान को इतने मौके क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि भाई स्पीड एक टाइम पे जो उनका सबसे बड़ा हथियार बोला गया था, स्विंग देखो उनकी बॉल पहले ही बहुत नहीं होती थी, पहले भी वो कोई बहुत डेथ के बॉलर नहीं थे, लेकिन सबसे बड़ी जो उनकी काबिलियत थी कि भाई लाइन एंड लेंथ कमाल की डालते हैं, और लाइन एंड लेंथ के साथ उनके पास एक स्पीड है अच्छी खासी जो थोड़ी सी बैट्समैनों को तकलीफ देती है, और बंदा मारता भी 146, 142, 145 तक था, लेकिन आप कल के मैच में स्पीड देखिए, पिछले कुछ मैचेस में स्पीड देखिए, 132, 133 मार रहा है, उससे तेज तो भाई भुवनेश्वर कुमार बॉल फेंक देता है जो इंजरी से लौट के आए हैं, और वहीं पे आप इतनी यंग एज में इतनी स्लो बॉल डाल रहे हो, यार कैसे चलेगा ऐसे। बाकी जैसा मैंने बात करी शार्दुल ठाकुर की, भाई देखो शार्दुल ठाकुर ना हीरा है, उसको प्रिजर्व करके रखो, हो सकता है बहुत मैचेस में उसको विकेट ना मिले, हो सकता है कि वो बहुत मैचेस में उसको रन भी ठीक ठाक पड़े, लेकिन भाई बंदे का इंटेंट एक नंबर है, और बंदा देखो
ऐसा है ना कि जब भी कुछ भी होगा कि भाई विकेट नहीं गिर रहे हैं, तो आप हमेशा देखेंगे कि शार्दुल ठाकुर ही ऐसा बंदा है जो आपको विकेट लेके देगा। अब देखो कल का मैच जिसने नहीं देखा होगा तो उसे ऐसा लग सकता है कि भैया शार्दुल ठाकुर तो रन फिट रखे हैं, ऊपर ऊपर से ऐसा ही लगेगा, लेकिन असल में जिसने भैया वो आखिरी के शार्दुल ठाकुर के ओवर देखे होंगे तो आपको देख के पता चल जाएगा कि भाई इसे कहते हैं बॉलिंग। तो इसीलिए मेरा मानना है कि शार्दुल ठाकुर को बहुत ज्यादा उनके रन देने की काबिलियत से जज नहीं करना चाहिए और चीजों से भी जज नहीं करना चाहिए। शार्दुल ठाकुर ऐसे प्लेयर हैं, भले ही उनके प्लेइंग 11 में हर बार जगह नहीं मिले, लेकिन भाई बंदे को स्क्वाड में लेके जाओ और जहां भी ऐसा लगता है कि भाई कोई नहीं खेल रहा उसको खिलाना है, आंख बंद करके शार्दुल ठाकुर को खिला दो। बाकी थोड़ा सा मुझे यह भी लगता है कि शार्दुल ठाकुर थोड़े से इंडिया के लिए लकी भी हैं। वैसे इस चीज को लेके भी जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का शार्दुल ठाकुर के बारे में क्या सोचना है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी तब तक के लिए अपन जल्दी से देख लेते हैं कि कौन है आज के क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वार। तो उनका नाम है सचिन ब्रो, जो पूछते हैं कि क्या शुभमन गिल 2023 वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं। तो देखो भाई, मैंने इस सवाल का जवाब एकदम शुरू में ही दे दिया है कि इस पूरी सीरीज में एक बंदे ने जो सबसे ज्यादा कमाल किया वो है शुभमन गिल, और ये कमाल यही है कि उन्होंने सीधे हमला किया है 2023 वर्ल्ड कप पे। कि भैया भले ही आप सोच रहे होंगे शिखर धवन को खिलाना है, भले ही आप सोच रहे होंगे कि भैया केएल राहुल को खिलाना है, लेकिन शुभमन गिल का नाम मत भूल जाना, ये उन्होंने ऐलान कर दिया है। हाँ, ये सच है कि थोड़ी सी एक दो पारियां उनको बड़ी टीमों के खिलाफ भी खेलनी होंगी, लेकिन स्टिल भाई जो भी कहो, थोड़ी छोटी टीम सही छोटी टीम, लेकिन स्टिल जहां पे भी अभी छोटी टीम तो बाकी प्लेयरों के लिए थी ना, कल शिखर धवन के लिए भी छोटी टीम थी ना, और बाकी वेस्टइंडीज के खिलाफ भी बाकी प्लेयरों के लिए भी भैया वही टीमें थी ना, लेकिन स्टिल शुभमन गिल ने उस टीम के खिलाफ भी सारे प्लेयरों के कंपैरिजन में सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया है, यही उनकी काबिलियत का नमूना है, इसलिए भैया उनको पूरे तरीके से इनाम मिलना ही चाहिए। तो जैसा मैंने आप लोगों से भैया सवाल पूछा था कि आप लोग केएल राहुल की कैप्टेंसी को कितना पॉइंट देंगे 10 में से कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ शार्दुल ठाकुर पे आप लोग का क्या सोचना है ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा ये भी पूछो, इन्होंने पूछा भैया वो सवाल का जवाब भी आप लोग दे सकते हैं कि क्या शुभमन गिल का कंफर्म है 2023 वर्ल्ड कप खेलना, या फिर थोड़ा सा और उनको परखना चाहिए, ये भी कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन जो भैया केएल राहुल वाला आंसर है वो तो मुझे सबसे जानना है, जो भी ये वीडियो देख रहा है तो वो बताना मत भूलना। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें भैया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद बोलना भूल गया था जय हिंद के बाद, तो अलग से कट डाल के इसको डाला, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाय। जय हिंद, धन्यवाद, ठीक है।